अब आपके सामने श्री विजेंद्र शर्मा जी योग संबंधित जानकारी साझा करेंगे। ओवर टू यू विजेंद्र सर। परमादरणीय माननीय कुलपति प्रोफेसर H.D. चारण साहब, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बीकानेर, प्रिंसिपल श्रद्धेय प्रिंसिपल डॉक्टर Y.N. सिंह साहब, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीकानेर, हृदय से वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने विश्व योग दिवस के सुअवसर पर मुझे मेरा जो भी अनुभव है, जो मैंने सीखा है, वह साझा करने के लिए, बांटने के लिए आमंत्रित किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस इवेंट को, इस उत्सव को यूनिवर्सिटी परिवार और कॉलेज परिवार के जिन सभी गणमान्य शिक्षकों ने ऑर्गेनाइज किया है, उन्हें मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। गुरुवीर जी ने भी अभी बताया, कुलपति साहब ने भी योग पर प्रकाश डाला। हाँ, बहुत ही प्राचीन परंपरा, जो कि अगर यूं कहें कि 2015 से पूर्व जब यह दिवस मनाना शुरू हुआ, उससे पहले एक मान्यता न प्राप्त होने के कारण अनाथ थी, लेकिन UNO ने और हमारे हिंदुस्तान के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर श्रीमान मोदी ने जिस प्रकार 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव रखा कि योग किसी धर्म से संबंधित नहीं है, यह किसी मानव जाति के संस्कारों का अतिक्रमण नहीं करता है, यह हमें हमारे अंतस से, हमें एक दूसरे के अंतस से, भीतर से, संसार से, प्रकृति से जोड़ता है, इसलिए क्यों नहीं हम एक विश्व योग दिवस को गोद लें। और यह प्रयास सार्थक हुआ। प्रथम जो दिवस 2015 में हिंदुस्तान ने मनाया, उसके पश्चात आज हम 2020 में पहुंच चुके हैं। मित्रों, पिछले वर्ष इसी दिन को मैं जर्मनी के प्रवास पर था और वहां पे हमने वहां के योग शिक्षकों के बीच में इस योग दिवस को मनाया। तो यह कहना कि योग ने न केवल हिंदुस्तान का परचम इस धरा पर लहराया है, बल्कि मानव के मनों पर भी योग ने अपना ध्वज लहराया है। मुझे एक छोटी सी बात यहां पर कि अभी कुछ जैसे कि पूरी धरती पर, पूरे भूभाग पर एक महामारी ने आक्रमण किया है, अतिक्रमण किया है, इस समय पर इटली के एक हॉस्पिटल में मैंने देखा कि जब डॉक्टर्स मरीजों को इलाज देने के लिए यमराज से लड़ रहे थे, उस समय उनकी अंतस की शक्ति ने थोड़ा उन्हें कमजोर किया होगा। ऐसे में एक पंक्ति में खड़े होकर संपूर्ण जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने वहां ओमकार का गान किया और ये दिखाया कि किस प्रकार ओमकार से उन्हें पुनः ऊर्जा का उनमें ऊर्जावान वो बने और फिर से पूर्ण वेग से और पूर्ण शक्ति से और शांति को अनुभूत करते हुए जो पीड़ित हैं, मरीज हैं, उनकी सेवा में जुट गए। तो यह हमारे इस प्राचीन परंपरा ने पूरे विश्व को इस प्रकार से जोड़ा है, जहां पर भाषा, धर्म और जो देशों की सीमाएं हैं वे भी हट चुकी हैं इस योग के माध्यम से। और आज हिंदुस्तान ही नहीं, हम ही नहीं, जबकि संपूर्ण विश्व इस योग के उत्सव में सहभागी है, इसे सेलिब्रेट कर रहा है। तो आइए हम भी मिलकर तकनीक के माध्यम से, यह तकनीक जिस जो कि हमें वर्तमान में बाहरी रूप से जोड़ रही है,
आइए हम योग के माध्यम से अपने आप से हमारे अंतस्थ से जुड़ने का प्रयास करें। जैसा कि अभी संचालक महोदय बता रहे थे कि यह 5000 वर्ष पुरानी परंपरा है। जब तक मैं कहूं कि महर्षि पतंजलि जो हैं इस योग के फाउंडर हैं, इसके प्रणेता हैं, इसके सृजक हैं, जिन्होंने कि हजारों वर्ष पूर्व पतंजलि योग सूत्रों के माध्यम से मनुष्य को जीवन के प्रबंधन का ज्ञान दिया। मित्रों, उन्होंने करीब 195 योग सूत्र बताए हैं। उनमें से प्रथम जिनकी व्याख्या करना, जिनको समझना, जिनके बोलना हमारे लिए एक कम समय में इतना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जहां पर प्रथम उनका सूत्र कहता है अथ योग अनुशासनम। अब हम योग के द्वारा इस अनुशासन में प्रवेश करते हैं और स्वयं पर शासन कर अनुशासित होने का, प्रकृति के साथ जुड़ने का, स्वयं से जुड़ने का, इस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी जहां भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, बैठे हैं, आसन पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं, मेरा निवेदन है कि आप अपनी स्पाइनल रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए बिल्कुल सीधे बैठें और मेरे साथ हम पहले मैं गाऊंगा, उसके पश्चात आप उसे रिपीट करेंगे मेरे साथ। दोनों हाथ जोड़ें, अपने संपूर्ण विचारों को, मनोभावों को ठीक उसी स्थान पर छोड़ दें जहां पर आपने अपने जूते खोलने का स्थान बना रखा है या दहली के बाहर, और संपूर्ण रूप से खुद से जुड़ने का प्रयास करें। अपनी आती और जाती हुई सांस को महसूस करें, श्वास आता है, श्वास जाता है। अपने शरीर को महसूस करें, अपने आसन को महसूस करें, जिस आसन पर जहां भी आप विराजमान हैं। और अब एक स्वर में हम उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। असितो मा सद्गमयः तं सोमा ज्योतिर्गमयः मृत्युर्मा अमृतं गमयः ॐ शांति शांति शांति। सीधे बैठकर हम थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने इस प्रकार चेस्ट के सामने लेके आइए और लंबी गहरी श्वास के साथ अपने छाती को, अपने चेस्ट क्षेत्र को खोलें और श्वास छोड़ते हुए पुनः वापस फिर से लंबा गहरे श्वास के साथ श्वास छोड़ते हुए पुनः वापस आइए। श्वास लीजिए गहरा, श्वास छोड़ते फिर श्वास लीजिए,
श्वास छोड़ दे, पुनः वापस आए, फिर श्वास लीजिए, श्वास छोड़ दे, वापस आए, फिर से श्वास लीजिए, श्वास छोड़ दे, वापस आए, फिर गहरा श्वास, फिर श्वास छोड़ दे, फिर से लीजिए, फिर छोड़िए, फिर श्वास लीजिए, फिर छोड़िए। अब दोनों हाथ अपने सामने की तरफ, अगर आप सुखासन में बैठे हैं या किसी चेयर पर बैठे हैं, अपना स्पाइनल सीधा रखें, या अगर धरती पर आसन पर बैठे हैं, सुखासन में, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हैं, आरामदायक हैं, उसी आसन में सीधे बैठें। इसी क्रिया को अब हम बिना हाथों का उपयोग करते हुए इसे फिर से करेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, अपने फेफड़ों को पूर्ण श्वास से भरेंगे और फिर उसी गति से, उसी दूरी से, उसी अवधि में श्वास को छोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास, भस्त्रिका प्राणायाम है ये, शुरू करें। श्वास छोड़े, फिर से श्वास लीजिए, श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा, श्वास लेंगे तो पेट फूलेगा, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, लंबा गहरा श्वास, श्वास छोड़िए, फिर से श्वास छोड़िए, फिर से लीजिए, फिर छोड़िए, फिर लीजिए, फिर छोड़िए, फिर से लीजिए, फिर छोड़िए, और शांति, रिलैक्स। अब श्वास की क्रिया के पश्चात जो मन में, विचारों में जो एक शांति का एहसास है, उसे अनुभव करें, आंखें बंद रखें। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे श्वसन तंत्र को, हमारे लंग्स को मजबूत करता है, हमारे विचारों में, विचारों का जो प्रवाह है उसमें कमी लाता है और एक शांति हमें प्रदान करता है। यम पतंजलि ने अष्टांगिक योग की चर्चा की है, जिसमें प्रथम है यम, नियम और आसन और प्राणायाम। अभी जिसका अभ्यास हमने किया प्राणायाम, वह चौथा भाग है, वह आठ अंगों का चौथा भाग है। एक बार हम दूसरे प्राणायाम में प्रवेश करेंगे, इसे हम कपाल भाती प्राणायाम कहते हैं। थोड़ा गति से हम श्वास को छोड़ेंगे झटके से, और उसी तरीके से हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। देखिएगा एक बार, यानी हम अगर श्वास छोड़ेंगे तो उसी तरीके से पेट अंदर की तरफ, टुवर्ड्स द स्पाइनल तक झटके के साथ पीछे की तरफ जाएगा। तो हम मिलकर इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, शुरू कीजिए।
चलते रहें अपनी क्षमता और अपनी गति के अनुसार, इस अभ्यास को आगे जारी रखें। अगर कहीं पेट का ऑपरेशन हुआ हो पिछले 6-7 माह पूर्व, या अगर कहीं पेट में कोई दिक्कत है, तो थोड़ा धीमे गति से इसे आरंभ करें। अन्यथा और अगर ब्लड प्रेशर हाई किसी को है तो और धीमी गति से करें, अन्यथा सहजता से करते रहें। करते रहें। एक बार रिलैक्स करेंगे, शांति। इस क्रिया को, इस प्राणायाम को करने के पश्चात जो हमारे अंदर घटित हुआ उसे महसूस करें, अपनी श्वास को महसूस करें। पहले श्वास कितनी तेज थी, अब कितनी मंद है। योग के ग्रंथ हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। अगर श्वास तीव्र गति से चलता है, श्वास की गति सामान्य नहीं है, तो चित्त भी उसी गति से चलता है। विचारों का प्रवाह उसी गति से चलता है। विचार चाहे फिर वे नकारात्मक हो, मन का स्वभाव है, अगर नकारात्मकता मन में घटित हुई है तो वह नकारात्मकता को अति वेग से अपने अंदर ग्रहण करता है। इसलिए योगी ने कहा, पतंजलि ने कहा कि अपने प्राणों पर नियंत्रण करो, अपने श्वास को नियंत्रित कीजिए, उस श्वास को सम कीजिए। सम और समता कैसे होगी? जब हम प्राणायाम करेंगे तो फिर से एक बार कपालभाति फिर से शुरू करते हैं। रिलैक्स करें, एक बार पुनः रिलैक्स और कपालभाति के प्रसाद। तो रिलैक्स, जो शरीर में एक शांति का प्रवाह प्रस्फुटित हुआ है उसे महसूस करें। अगर पाचन तंत्र में कहीं कोई दिक्कत है तो कपालभाति कीजिए। जीवन के अंदर अगर कहीं नकारात्मकता है, अगर किसी ऐसा कोई क्षण आ गया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है जहां पे द्वेत है, ये करूं न करूं, इधर जाऊं न जाऊं, क्या करूं क्या न करूं, अरे मुझसे तैयारी नहीं हो रही, अरे मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, अरे कल तो उससे बहुत ज्यादा मैंने आवेग में बोल दिया, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोच रहा हूं, उससे बात करूं या न करूं। इस प्रकार जीवन में अंतस में जो महाभारत चलता है, उस महाभारत में कृष्ण ने जिस प्रकार अर्जुन से कहा कि तू योग कर, और योग करके
फिर युद्ध करने का निश्चय कर। तो गुणी जन कहते हैं, योगी जन कहते हैं, तो प्राणायाम करें और प्राणायाम के पश्चात जो शांति, जो विचारों की शीतलता होती है, उसके पश्चात अगर कोई निर्णय है करना है, किसी से नया संवाद करना है, किसी से कोई नया निर्णय लेना है, किसी क्षेत्र में और प्रगति करनी है, तो फिर पुनः शुरू करें। एक बार फिर से कपालभाति प्राणायाम, एक बार फिर से रिलैक्स करेंगे, शांति। प्राणश आयाम, श्वास प्रश्वास को नियंत्रित करना, हमारी जो बाई नासिका से जो अगर हम प्राणायाम करते हैं, जो श्वास लेते हैं, बाई नासिका को है कहा गया, जो चंद्रमा को से संबंध रखती है, और दाई जो है वो था है जो सूर्य से संबंधित रखती है। इस प्रकार चंद्र और सूर्य नाड़ी प्राणायाम से इन दोनों को सम करना और सम करके चित्त पर, और जो हमारा मन है, योगी कहते हैं कि मन पवन से भी तीव्र गति से चलता है। अगर आपको इस मन रूपी घोड़े पर सवारी करनी है तो प्राणायाम का नित्य अभ्यास करें, जिससे कि आप मन को अपने अनुसार चला पाए, न कि मन आप की सवारी करे और आपको चलाए। किसी ने खूब कहा है कि उम्र घटती है हर एक श्वास लेने से, फिर भी इंसान है कि श्वास लिए जाता है। तो इसलिए योग ने कहा श्वास को सम करो और लंबा गहरा श्वास मंद मंद लें और श्वास पे नियंत्रित करें। तो अब हम हमारे दूसरे प्राणायाम की तरफ अग्रसर होते हैं, दूसरे प्राणायाम में प्रवेश करते हैं। हम दूसरा प्राणायाम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी के अंदर हम लंबा गहरा श्वास लेंगे और अपने जो हमारी दोनों फिंगर्स हैं उनसे अपनी आंखों को और मध्य से हमारी नासिका को और दोनों अंगूठों से अपने कानों को हल्का बंद करेंगे और अंदर ही मन के अंदर हम ओमकार, एक हमिंग की ध्वनि जैसे भंवरा करता है, उसे हम करेंगे और अपने अंदर इस ध्वनि को महसूस करेंगे। लंबा गहरा सांस लेके से कीजिए, फिर से लीजिए। भंवर पुष्पों के ऊपर बैठता है, प्रेम का संदेश देता है।
वर्तमान जगत में जिस प्रकार एक संसार में प्रतिस्पर्धा जीवन के अंदर है, जिस प्रकार ये महामारी का समय है, ऐसे में बहुत से नकारात्मक विचार अंतश एक अंधकार की तरफ हो जाता है। मनुष्य सोचता है कि फलाह ऐसा है तो मैं क्यों नहीं। अगर वह व्यक्ति इतनी उन्नति करता है, इतना उसने अर्थ कमाया है, इतना उसने भौतिक सुख पाया है, तो मेरे घर में ऐसा क्यों नहीं। और ऐसे में वह स्वयं को भूल कर एक ऐसी दौड़ में दौड़ने लगता है जहां उसे स्वयं का एहसास नहीं होता है। तो जो जो प्राणायाम हमने अभी किया, इससे हमें अपने अंदर एक शांति का शांति महसूस होती है। अगर हमारे विचारों का वेग बहुत अधिक है तो उसमें हमें शिथिलता लाने में मदद मिलती है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको शिथिल करने में, उसे कम करने में यह प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम सहायक है। फूल कहता है कि फूल से सीख आशिकी का हुनर, तितलियां खुद रुकेंगी। इसलिए जिस प्रकार फूल अपनी अवस्था में खिलता है, महकता है, उसी प्रकार हम भी अगर अपनी अवस्था में खिलें, महकें और बाकी सभी कार्य उस ईश्वर के भरोसे छोड़ें, तो अपने आप हम अपने मार्ग पर संपूर्ण रूप से अपनी पूर्ण ऊर्जा से, पूर्ण जागरण से आगे बढ़ेंगे, पूर्ण अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति को कर पाएंगे। अब मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अब जहां भी हैं आप, उस जगह पे हम खड़े हो जाएं। हम योग के आज कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, सूक्ष्म योगिक व्यायाम करेंगे। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से, अगर किसी भी हमारे जो साधक हैं इस समय, जो इस समय इस योग की यात्रा पर हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है या एंजाइटी है तो अपने जो श्वास है उसका निरोध न करें, रोके नहीं, अन्यथा सभी इसको कर सकते हैं। दोनों हाथों से, दोनों अंगूठों से अपने दोनों नासिका छिद्रों को इस प्रकार से बंद करेंगे और मुख से अपनी जीभ को इस प्रकार जैसे पक्षी की चोंच होती है वैसे बनाएंगे और लंबा गहरा श्वास लेंगे और श्वास को अंदर ही रखेंगे, दोनों गालों को फुलाएंगे और ठुड्डी को नीचे लेके जाएंगे। एक बार देखिएगा, लेते हुए सांस को रोकेंगे और कुछ देर तक, करीब 10 सेकंड और जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार सांस को रोकेंगे, सांस का निरोध करेंगे और फिर नासिका से सांस को छोड़ देंगे। एक बार पुनः इसी को करते हैं, शुरू कीजिएगा। रिलैक्स करें, एक बार इसे फिर से कर लेते हैं। नासिका से श्वास छोड़ना आपके चेहरे के लिए, आपके चेहरे के ओज के लिए यह प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम है। अगर कानों में किसी प्रकार की सुनने में परेशानी है तो भी यह प्राणायाम बहुत ही अधिक लाभकारी है। नेचुरली तनाव को, एंजाइटी को कम करता है। चलिए
अब अपनी गर्दन को बाईं तरफ लेके जाइए, ब्रह्म मुद्रा योग में से कहा गया है, लेफ्ट, और फिर आए बीच में, फिर दाहिनी तरफ, पूर्ण अवेयरनेस के साथ, पूरे होश के साथ, फिर आए बीच में, फिर से बाईं तरफ, फिर आए बीच में, फिर दाहिनी तरफ, फिर आए बीच में, गर्दन को ले जाते आराम से लेके जाएं बाईं तरफ, और जितना अधिकतम आप ले जा सकते हैं, एक थोड़ा सा स्ट्रेच गर्दन में महसूस करें, तनाव महसूस करें, और फिर आ जाएं बीच में और रिलैक्स करें, और फिर इसी प्रकार से दाईं तरफ, और फिर लौटें एक बार रिलैक्स। श्वास के साथ अब हम गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, श्वास लीजिए लंबा गहरा, श्वास छोड़ते सामने की तरफ, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते सामने की तरफ, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए पीछे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, और रिलैक्स कीजिए। इसी प्रकार गर्दन के अन्य सूक्ष्म व्यायाम भी हम किए जा सकते कर सकते हैं, जैसे कि गर्दन को कंठ कूप के अंदर लेके जाइए, और फिर अपनी गर्दन को बाएं कंधे से दाईं तरफ लेके आइए, फिर दाईं तरफ से बाईं तरफ लेके जाइए। ऐसा करते समय पूरा इस क्रिया को महसूस करें, इसी के साथ रहें, तभी हम योग कर पाएंगे, अन्यथा यह व्यायाम हो जाएगा। फिर से रिलैक्स कीजिए, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से दोनों तरफ लेके जाएं, स्ट्रेच कीजिए, और फिर दोनों हाथों को इस प्रकार कंधों पर, और कंधों से रोटेट करेंगे सामने की तरफ, बहुत ही सूक्ष्म कंधों के लिए, हमारे कंधों की ऊर्जा को जागृत करने के लिए, कंधों को सुदृढ़ करने के लिए, कम से कम 10 बार हम इस क्रिया को कर सकते हैं। सामने की तरफ करें, और फिर पीछे की तरफ, और फिर दोनों हाथों को इस प्रकार स्ट्रेच करें और रिलैक्स। ये हमारे कंधों के लिए। अब एक जो हमारे पेट के लिए, हम श्वास को बाहर की तरफ फेंकेंगे, और बाहर ही उस श्वास को अपनी क्षमता अनुसार बाहर रोक देंगे, और बाहर रोकेंगे, रोकने के पश्चात हम हमारे पेट को, पेट का जो संकुचन करेंगे, देखिए जैसे पंप होता है, जैसे इस प्रकार से पेट को अंदर बाहर करना है। एक बार श्वास छोड़ेंगे, थोड़ा सा हम झुकेंगे इस प्रकार से, और श्वास छोड़ेंगे, पेट खाली हो गया, श्वास से रहित है। और फिर श्वास लेके पुनः वापस आएंगे। चलिए करते हैं अग्निसार क्रिया, इसे योग में कहा गया है, हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे शरीर के अंदर के अंगों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है।
फिर से करें, इसको करते हैं। सांस लें और वापस आएं। एक बार और कर लेते हैं। सांस लीजिए और वापस आएं, रिलैक्स कीजिए। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की तरफ लेके आइए। धीरे धीरे सांस के साथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे दोनों हाथों को, सांस के साथ सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। फिर सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए फिर सामने की तरफ। फिर सांस लेते, सांस छोड़ते हुए फिर सामने की तरफ। फिर सांस लेते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए फिर सामने की तरफ। फिर सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। फिर सांस लेते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। फिर सांस लेते हुए पीछे की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ। फिर लेफ्ट, फिर आए और फिर दोनों हाथ आजू बाजू में लेके रिलैक्स करें। कटी प्रदेश के लिए यह प्राणायाम, इसे बढ़ाया जा सकता है और इसे गहरा किया जा सकता है, ये इस क्रिया को, इस व्यायाम को। अब हम थोड़ा अपने दोनों पांवों को मिलाएंगे और इस प्रकार से दोनों घुटनों को सामने की तरफ लेंगे, श्वास के साथ दोनों घुटने सामने की तरफ और श्वास छोड़ते हुए घुटने पीछे की तरफ, इस प्रकार से करेंगे। चलिए करते हैं। वापस रिलैक्स करें, अपने घुटनों को शीतल करें, रिलैक्स। अब दोनों पांव को इस प्रकार से हम टखनों के लिए ऊपर नीचे, इस प्रकार इसको हम सांस के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इस प्रकार ये हम योग के द्वारा सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। अब एक थोड़ा हम योगिक जॉगिंग करेंगे। जिस प्रकार से एक इंजन जो भाप का इंजन में चलता है और वो अपनी गति को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार सांस के साथ हम गति को बढ़ाते हुए इस योगिक जॉगिंग को करेंगे। शुरू करते हैं, लंबे गहरे सांस के साथ और अधिक तीव्रता लाइए और तेज और तेज और रिलैक्स। अपने आसन पर आ जाएं और अगर आपके पास आसन है तो आप लेट सकते हैं, और अगर आप कहीं बैठे हैं तो आप शांत चित्त होकर रिलैक्स भाव से बैठ जाएं, अन्यथा आप शव आसन में भी जा सकते हैं। तो अगर शवासन की व्यवस्था है तो लेट जाएं और रिलैक्स करें। अगर आप शवासन में लेते हैं तो बिल्कुल अपने श्वास को महसूस कीजिए,
अपने आती और जाती हुई सांस को महसूस करें। जब हम सांस शरीर में प्रवेश कर रहा है तो वह हल्का ठंडा है, हल्की ठंडक लिए हुए है, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो वह हल्का गर्म है। सांस की इस गर्माहट और इस ठंडक को महसूस कीजिए पूर्ण साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से विटनेस करते हुए अपने सांस को देखें, महसूस करें। संपूर्ण जीवन चला जाता है और हम अपने ही श्वास के प्रति सजग नहीं हो पाते, अपने ही श्वास को महसूस नहीं कर पाते। शवासन जब आप कर रहे हैं तो मुझे एक छोटी सी बात याद आती है। हिंदुस्तान के एक बहुत ही बड़े योगा गुरु, योग के, अगर मैं कहूं कि योग के जनक, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिन जो भी योगा के क्षेत्र में हैं, वे उनसे बखूबी परिचित हैं। बीके एस अयंगर अपने 34 साल की अवस्था में जब वे योग की यात्रा पर थे, योग की जो गहराइयां थी उन तक पहुंच रहे थे, इस समय 20वीं सदी के एक महान संगीतकार यहूदी मैनहुइन, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मेहमान थे, उनके यहाँ आए तो उन्होंने अचानक एक योगा पुस्तक उनके हाथ में थी, वह पंडित नेहरू को दिखाई। पंडित जी ने समझा कि इनका योग में रुचि है, तो उस समय बीके एस अयंगर साहब के साथ उनकी कुछ मिनटों की मुलाकात एक परिचय मात्र के लिए करवाई गई। जब ये मुलाकात चल रही थी, यहूदी मैनहुइन उनसे संवाद कर रहे थे अपने बारे में, अपनी कमजोरियां, अपनी शारीरिक कमजोरियां, कि किस प्रकार वे निद्रा उनमें कमी है, कि वे संपूर्ण रूप से सो नहीं पाते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, किस प्रकार उनके शरीर के विभिन्न क्षेत्रों में मस्कुलर्स पेन है, जिसके कारण वे अपनी कॉन्सर्ट्स को पूरी तरह से, पूरे मनोभाव से, पूरी ऊर्जा से नहीं कर पाते। मित्रों, यह मुलाकात जो कि कुछ मिनटों तक थी, वह बीके एस अयंगर साहब के साथ 3.5 घंटे तक चली। इस 3.5 घंटे की मुलाकात में अंतिम कुछ मिनटों में बीके एस अयंगर ने यहूदी मैनहुइन, उस संगीत के विद्वान को जब शवासन में सुला दिया, तो कुछ 3-4 मिनटों में ही वे ऐसी निद्रा में सो गए कि जैसे स्वयं के शरीर से अलग हो गए हों और उन्हें खर्राटे आने लगे। तब यहूदी मैनहुइन का प्रथम बार योग से साक्षात्कार हुआ। आप विश्वास करेंगे कि जीवन के अपने जब भी उन्होंने योग से परिचय भी किया अयंगर साहब के साथ लिया, उस समय उनकी आयु 36 वर्ष थी, लेकिन जीवन के बाकी के 50 वर्षों तक, जीवन की अंतिम सांझ तक वह व्यक्ति योग करता रहा। आप मानेंगे कि उनके शरीर में इतने दर्द थे, वे सभी हट चुके थे, और एक बार तो 1982 में बर्लिन के अंदर उस व्यक्ति ने अपने ऑर्केस्ट्रा को शीर्षासन करते हुए अपने पांव से दिशा ऑर्केस्ट्रा के जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो वाद्य यंत्र थे, उनको बजाने के लिए, म्यूजिक नोट्स के लिए शीर्षासन में उनको दिशा निर्देश दिए। और इस प्रकार वे यहूदी मैनहुइन, उन्होंने बीके एस अयंगर को यूरोप बुलाया, और इस प्रकार योग उस समय काल में यूरोप में पश्चिम में पहुंचा। और आज वर्तमान में तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार योग को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान्यता दे दी है, और आज विश्व भारत की धरोहर को, जो कि जबकि हमारे पूर्वजों ने, जबकि महर्षि पतंजलि ने
योग की रचना की थी या योग के बारे में सोचा था, तो उन्होंने न केवल इस भूधरा भारत के निवासियों के लिए, नागरिकों के लिए सोचा होगा, अपितु संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए सोचा होगा। इसलिए यह बात जो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कई बार बोलते हैं अपने संबोधन में कि अयम निज परो वेति गणा लघु चेतसाम उदार चरितानाम वासुदेव कुटुंबकम। मित्रों, आज के दिन योग ने जिस प्रकार से पूरे विश्व को एक परिवार की भांति बना दिया है, वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, इस दिन, आज के दिन, इस समय योग कर रहा है, योग में रत है। तो इस प्रकार योग ने संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण जगत को जोड़ा है, हमारे अंतस को जोड़ा है और अंधकार से प्रकाश की तरफ का मार्ग योग ने मनुष्य जाति को सिखाया है। तो आइए एक बार हम मेरे साथ ओमकार की साधना करेंगे, ओमकार का जाप करेंगे, ओमकार चेंट करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए, जब भी आप ओमकार की साधना करें आपका स्पाइनल सीधा रहे, जिस भी आसन में आप बैठे हैं सुखपूर्वक बैठें और शांत चित्त से ओमकार को चेंट करें, उसके वाइब्रेशन को, उसकी ऊर्जा को अपने संपूर्ण शरीर में महसूस करें और अपने आत्म तंत्र को जागरण का अवसर दें। फिर से कीजिए लंबा गहरा श्वास, पूरे शरीर में हर एक तरफ केवल ओमकार रह जाए, इस प्रकार के मनोभाव से फिर से करें। और अब शांत चित से ओमकार के वाइब्रेशन को, ओमकार की ध्वनि को अपने सांसों के साथ, अपने मस्तिष्क में, अपने शरीर में, हर तरफ ओम को महसूस करें। आंखें बंद रखें, और एक बार फिर से आंखें खोलें। जब भी हम योग की शिक्षा, एक योग की क्लास होती है, तो जब अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं, क्योंकि हास्य अपने आप में योग है और हंसना इस धरती पर संपूर्ण जगत में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हंस सकता है, लेकिन हम बहुत सी कारणों से इससे दूर होते जाते हैं। तो क्योंकि हम शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो मैं एक छोटा सा आपको एक जोक, एक हास्य के लिए प्रेरणा स्रोत सुनाता हूं, और फिर अगर हंसी आए भी और ना भी आए तो एक साथ तीन बार हम ठाके के साथ हंसेंगे। एक कक्षा के अंदर बालक से उसकी अध्यापिका ने पूछा कि बेटे आप का जन्म कहाँ हुआ, उस स्थान का नाम बताइए। बच्चे ने जवाब दिया, मैडम मेरी स्थली का नाम है तिरुअनंतपुरम।
तो टीचर ने कहा अरे वाह वेरी गुड, तो इस नाम को अब तुम स्पेल भी करके बताओ, इसकी स्पेलिंग बताओ। तो नटखट बच्चे ने कहा नहीं मैडम, फिर तो मैं गोवा में ही पैदा हुआ था। हंसी एक बार इस बात पे ठहाका लगाई। एक बार फिर से अपने दोनों हाथों को जोड़ें, आंखें बंद और फिर से इस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभावित्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को मलें और गर्म हाथों से अपने चेहरे को हल्की मसाज दें और हंसते हुए अपनी आंखें खोलें। आज का दिन विश्व योग दिवस, आज का रविवार, आज आपको मंगलमय हो। आपके जीवन में, हम सभी के जीवन में, सभी प्राणी जगत में एक नया उत्साह पैदा करें और हम योग के मार्ग पर बने रहें और इस मार्ग की गहराइयों को छूते रहें। जितने गहरे हम डूबेंगे उतने ही आनंद को, परम आनंद को हम प्राप्त होंगे। थैंक यू।